बाजार में अनाज की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार ने 13 मई को गेहूं निर्यात पर रोक लगा दिया था, लेकिन अब आटे के निर्यात को लेकर चिंता बढ़ रही है। दरअसल गेहूं निर्यात पर रोक के बाद व्यापारी गलत तरीके से आटे का निर्यात कर रहे हैं और इसमें दोगुना से भी ज्यादा की तेजी आई है। वाणिज्य मंत्रालय ने बताया कि 13 मई को गेहूं निर्यात पर रोक के बाद आटे के निर्यात में अचानक काफी उछाल देखने को मिला है। व्यापारी सरकार के प्रतिबंधों में सेंध लगाने के नए तरीके खोज रहे हैं और अब गेहूं के बजाय आटे के निर्यात का खेल चल रहा है। वहीं वाणिज्य मंत्रालय ने कहा है कि 13 मई के बाद आटे के निर्यात में अचानक दुगुना से ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। प्रतिबंध के बाद हर महीने करीब 1,00,000 टन आटे का निर्यात किया जा रहा है, जबकि पिछले पूरे वित्त वर्ष में सिर्फ 5,00,000 टन आटे का निर्यात किया गया था। व्यापारी प्रतिबंधों में सेंध लगाने के लिए फर्जी लेटर ऑफ क्रेडिट का सहारा ले रहे हैं। वहीं 1 अप्रैल से 14 जून तक भारत का कुल गेहूं निर्यात 29.7 करोड़ टन रहा, कि इस दौरान आटे का निर्यात 2.59 लाख टन रहा है। सरकार ने बैन के बावजूद जरूरतमंद देशों को गेहूं का निर्यात किया है। मंत्रालय ने बताया कि 13 मई को प्रतिबंध लगने के बाद बांग्लादेश, अफगानिस्तान जैसे देशों को 18 लाख टन गेहूं का निर्यात किया गया है। वहीं विदेशी व्यापारी महानिदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि हम आटे के निर्यात की निगरानी के लिए प्री शिपमेंट नोटिफिकेशन को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रहे हैं। इससे आटे का शिपमेंट कर गेहूं निर्यात पर प्रतिबंधों में सेंध लगाने का खेल रुक जाएगा। नए नियमों के तहत सभी आटा निर्यातकों को अपनी मात्रा, कीमत और जगह पहले ही बतानी होगी, जिससे ज्यादा आटे का निर्यात किए जाने पर कार्रवाई ही होगी। एक निर्यातक ने कहा कि सरकार आटे पर निगरानी बढ़ाने के लिए नए तरीके के प्रतिबंध लगा सकती है। कुछ व्यापार गेहूं पर प्रतिबंध के बाद नया रास्ता खोज रहे हैं। पिछले सप्ताह खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने चेतावनी देते हुए कहा था कि गेहूं पर प्रतिबंध के बावजूद इसके भंडारण में तेजी नहीं आ रही है। थोक महंगाई के आंकड़े भी गेहूं की कीमतों में मामूली गिरावट बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ अफगानिस्तान को मानी आधार पर 50,000 टन में से 33,000 टन गेहूं का निर्यात किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।